हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएल से जुड़ी हुई सात बहुत ही बड़ी अपडेट। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहना यार, और इसी तरह प्यार बरसाते रहोगे तो मैं आईपीएल से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियो जल्दी जल्दी लाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं पहले अपडेट की। तो खबर आ रही है कि बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर की बिडिंग 18 अगस्त को फाइनलाइज हो गई है, मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि आईपीएल 2020 के ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर कौन है। इसके पहले ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर वीवो हुआ करती थी। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि खबर आ रही है कि बाबा रामदेव की पतंजलि इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने में दिलचस्पी दिखा रही है। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बायजू, अनअकैडमी, अमेज़न लगी हुई है आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने में, और उसी रेस में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि, जो कि पूरी तरह से देश की कंपनी है, वह भी इसमें कूद पड़ी है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है, और यदि पतंजलि टाइटल स्पॉन्सरशिप का बिडिंग पा लेती है तो इस साल हम आईपीएल को पतंजलि आईपीएल के नाम से भी जानेंगे। और यदि आपको इस पर पूरी विस्तार से जानकारी लेनी है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे अपडेट की, जो कि आईपीएल 2021 के ऑक्शन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आईपीएल होने से पहले आईपीएल प्लेयर्स का ऑक्शन होता है या नीलामी होता है, जो कि दिसंबर में होता है, पर इस बार यह खबर है कि आईपीएल का ऑक्शन इस बार नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको जो खिलाड़ी जिस टीम में 2020 में दिखेंगे वही खिलाड़ी सेम टू सेम आपको 2021 में भी दिखेंगे, कोई भी टीम में किसी भी खिलाड़ी का बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस महामारी से पहले यह कहा गया था कि 2021 का ऑक्शन जो होगा वह मेगा ऑक्शन होगा, इसमें बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, पर अब ऐसा होने से रहा इस साल। तो चलिए बात करते हैं अपने चौथे अपडेट की। तो यह अपडेट जुड़ी हुई है विराट कोहली और राजस्थान रॉयल्स से, आरसीबी से नहीं। असल में कल एक फोटो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हुई थी ट्विटर पर, जिसमें विराट कोहली को राजस्थान रॉयल्स की आउटफिट में देखा जा सकता था। यह फोटो किसी विराट कोहली के फैन ने राजस्थान रॉयल्स के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था और उनसे पूछा था कि क्या वह विराट कोहली को अपनी टीम में ले सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस पर एक बहुत ही फनी ट्वीट किया और लोगों को लगा कि विराट कोहली वाकई में राजस्थान रॉयल्स की टीम में आने वाले हैं, पर ऐसा नहीं होगा और यह बस एक छोटा सा। चलिए बात कर लेते हैं अपने पांचवें अपडेट की, जो कि आरसीबी से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यूएई पहुंचने वाली सबसे पहली टीम चेन्नई होगी, तो वहीं सबसे आखिरी टीम जो यूएई पहुंचेगी वह रहेगी आरसीबी। खबरों की माने तो आरसीबी अगस्त के आखिरी सप्ताह में यूएई के लिए रवाना होगी, तब तक वह बैंगलोर में रहने वाली है। चलिए अब जो अगली अपडेट है वह आपका दिल वाकई खुश कर देगी, क्योंकि इस अपडेट से आईपीएल का होना या ना होना तय होगा। तो छठा अपडेट यह है कि केंद्रीय सरकार ने, जी हां, केंद्रीय सरकार ने आईपीएल विदेश में करवाने की अप्रूवल दे दी है। मतलब कि उन्होंने सीधे कह दिया है कि जाओ यार आईपीएल करवाओ जहां करवाना है। आईपीएल के बॉस ब्रिजेश पटेल ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो आपको यह फिर से बता दें कि आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा और यूएई में ही होगा, और ज्यादा नहीं सिर्फ 3 शहरों में आईपीएल का टूर्नामेंट करवाया जाएगा, जो कि रहेगा शारजा, अबू धाबी और दुबई। मैंने इसे इसलिए बताया क्योंकि बहुत लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये फेक न्यूज है, तो अभी भी यकीन नहीं है तो अपने तरीके से कहीं से कंफर्म कर लो ना यार। चलिए अपनी आखिरी अपडेट को देख लेते हैं। तो हमारा सातवां अपडेट में शामिल है सेल्डन कॉटरेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। उनका ऐसा बयान जो केएल राहुल और किंग्स 11 पंजाब के फैंस का दिल बाग बाग कर देगा। असल में सेल्डन कॉटरेल ने कहा है कि केएल राहुल के साथ खेलना उनके लिए गर्व की बात है, और केएल राहुल बहुत ही अच्छी कैप्टनशिप करते हैं और आईपीएल एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है, और राहुल बहुत ही गजब के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों यह थी आज की आईपीएल की बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स, और ऐसे वीडियो में हर दिन आपके लिए लाता रहूंगा। वैसे नेक्स्ट जो मैं बोलने वाला हूं, बोलने का मन तो नहीं करता है पर बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग बिना बोले वह करेंगे नहीं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल जरूर प्रेस करें, और टाइम टाइम पे चैनल को चेक करते रहना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेजना भूल गया हो।